टूरिज्म वीजा, ऑस्ट्रेलिया में घूमने का वीजा। ज्यादातर हरियाणा निवासी इस वीजे की बहुत चाह रखते हैं। वैसे तो पूरे भारत में ऑस्ट्रेलिया जाने का चलन है, बट अगर सबसे ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में आज के दिन जाने के लिए उतावले हैं तो वो हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के बाद गुजरात के लोग हैं, फिर पंजाब की बारी आती है। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा कैसे मिलेगा? 100% वीजा रिफ्यूज नहीं कराना चाहते। 18 साल की उम्र है, चाहते हैं टूरिस्ट वीजा मिल जाए, बस एक बार ऑस्ट्रेलिया देख आऊं जाके। मेलबर्न में क्रिकेट स्टेडियम देख के आना, कहाँ सचिन तेंदुलकर खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया का भारत का जो रिश्ता है, ये मित्र देश का रिश्ता है। ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा का सक्सेस रेट 90% के आसपास है। जितनी फाइलें लगती हैं, 90% लोगों को टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। आइए कॉल लेते हैं पहले। जी नमस्कार। जी सर बताइए। जी बोल रहा हूँ सर। बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। जी सर। सर मैंने बी फार्मा की है और उसके बाद ना सर मेरा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है स्टडी। कब रिफ्यूजल आया आपका? अक्टूबर में आया था सर। सर क्या काम करते हैं आप? बी फार्मा के बाद इस टाइम मैं प्रोपराइटर हूँ सर। पापा 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 क्या करते हैं आपके? सर अकाउंटेंट है नॉर्मल, मेरी अपनी आपको ना केमिस्ट शॉप है। आपको ना एक चीज समझ नहीं है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, हाँ जी सर। तो आपके पास कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आमदन का प्रूफ होना चाहिए। आपकी, आपके पापा की, आपकी पूरी फैमिली की जो आमदन है ना, 20 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके वीजा की। मैं अप्लाई तो ही कराऊंगा अगर वीजा लगना है। मैं ऐसे टाइम नहीं खराब कराऊंगा आपका। उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर स्टडी वीजा कन्वर्ट में। होगा वहां पे, नहीं होगा वहां के वकील साहब बताएंगे। मैं यहां से वकील साहब की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं वीजा की जिम्मेदारी लूंगा। मुझे सर मैं सबसे पहले ना कब अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे सर मैं अक्टूबर कभी, में रिफ्यूजल है। अरे कभी भी, कभी भी, सबसे पहले तो ना आपको मुझे मिलके अपने कागज दिखाने हैं। मैं आपके कागजों में कमियां निकाल के आपको बताऊंगा, भैया ये कागज मुझे ना 2 महीने लगा के अरेंज कर दो। अगर तुमने वो कागज अरेंज कर दिए ना, ये वीजे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं रिफ्यूज नहीं होने दूंगा इसको। आप किसी दिन समय लगा के ना मुझे चंडीगढ़ आके मिलो और अपने सारे कागज साथ लेके आना, पुरानी रिफ्यूजल के। स्पाउस में लगवाऊं आपसे। सर हर चीज पॉसिबल है। आपका ना पहले से रिफ्यूज है ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी से। जहां से आपको वीजा मना हुआ है, हमने वहीं से वीजा उठाना है। तो उसके लिए ना आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है एम्बेसी के साथ। मुझे पहले ये देखना है कि आपको पहले वीजा क्यों नहीं दिया और अब क्यों देंगे। वो सारे कागज आपको बताएंगे, आप सारे कागज इकट्ठे करो, 2 महीने लगा के मिल जाएगा वीजा। कोई भी एम्बेसी वीजा की एप्लीकेशन ना लेती है, वीजा देने के लिए लेती, कभी रिफ्यूजल करना नहीं चाहते वो किसी का। आप किसी दिन समय के निकाल के मुझे चंडीगढ़ मिलिए आके। मैं भी मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके वीजा की। थैंक थैंक यू सो मच सर। यू। ऑस्ट्रेलिया का वीजा 90% लोगों को ग्रांट होता है। ये वीजा 15 दिन में मिलता है। आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की साइट पे जाइए, वहां पे प्रोसेसिंग टाइम चेक करिए। इस वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 15 डेज है। मात्र 15 दिन के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। आपका भले ही एक बार रिफ्यूज है, 2 बार रिफ्यूज है, मैं जिम्मेदारी लूंगा आपके वीजा की। आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होने देंगे हम। अप्लाई तो होगा अगर वीजा आना है, ऐसे समय नहीं खराब करेंगे आपका और हमारा अपना। ये वीजा अप्लाई करने के लिए एक चीज चाहिए हमें, सिर्फ एक चीज। यार आप ईमानदार जरूर हो,
धोखाधड़ी करके फर्जी कागज लगा के आज तुम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सेफ वीजा है और सबसे आसान वीजा है वो ऑस्ट्रेलिया का वीजा है। यहां पे सब कुछ डिजिटल होता है, ना तो ये वीजा पासपोर्ट पे लगता है, ना यहाँ पे कोई बायोमेट्रिक होते हैं, ना ही यहाँ पे किसी की रिफ्यूजल मिलती है। 10 फाइलें जमा होती है एम्बेसी में, 9 को वीजा मिल जाता है। जो अप्लाई करने वाले हैं उनको पहले पता होता है किसको मिलना किसको नहीं मिलना, इसलिए ज्यादातर लोग 18-20 साल वाले लोगों का वीजा अप्लाई नहीं करते। आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, पढ़ाई में गैप पड़ गया साल दो साल का, स्टडी वीजा के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे। जो हम कर सकते हैं हम वही काम पकड़ेंगे। अभी पढ़ाई में 4 साल का गैप आपको कुछ यो इन दे रहा, मैं टूरिस्ट वीजा लगा दूंगा, उसके लिए आपको मुझे मिलना पड़ेगा। मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा, आपको उस चेकलिस्ट के कागज पूरे करने हैं। चेकलिस्ट में क्या कागज होंगे? कम से कम आपकी आमदन 20 लाख रुपया सालाना होनी चाहिए। अगर आपकी 20 लाख रुपया सालाना आमदन है, आप इनकम का क्राइटेरिया निकाल चुके होते हैं। दूसरा कागज जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी मांगती है वो होता है इनकम के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके बैंक के अंदर 20 से 25 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा, जब 5 लाख रुपया दिखा के वीजा नहीं मिलने वाला। आपके माता जी के पिताजी के खाते में 20 से 25 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। आपका पर्पज ऑफ विजिट होना चाहिए। आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी के साथ घूमने का हनीमून मनाने का वीजा अप्लाई करिए। ये हनीमून का वीजा कभी रिफ्यूज नहीं होता। ये रिफ्यूज किसका होता है? जो लोगों के पल्ले कुछ नहीं होता, ना वो इनकम का डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, ना उनके पास को पुराने फंड होते हैं। ये 4 से 6 महीने लगेंगे तुम्हारी फाइल को प्रोसेस करते हुए, क्योंकि फंड तो है ही नहीं किसी के पास शो करने के लिए, ना आमदन का प्रूफ है। आप हमारे पास आइए, हम आपको क्राइटेरिया बताएंगे, किस क्राइटेरिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपके सारे परिवार को वीजा दे सकती है। आप 4 महीने लगा के 6 महीने लगा के अपना प्रोफाइल रेडी कर लीजिए, मैं फाइल तो डालूंगा यदि आपका वीजा लगना है। आज हर दूसरा आदमी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे आसान वीजा ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता है। जब तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, आपकी आमदन का प्रूफ, आपका सैलरी सर्टिफिकेट 20 लाख रुपए का नहीं होता, भूल जाओ ये वीजा तुम्हें मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया, आपके पास 20 से 25 लाख रुपया खाते में होना चाहिए। अगर 20 से 25 लाख रुपया नहीं है तो भी भूल जाओ, ये वीजा नहीं मिलना। आपका 2, 4, 5 बार रिफ्यूज हुआ है ना, आपका सगा भाई वहां रहता है, आपको वीजा नहीं दे रहे, मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने क्या गलती करी थी अपनी फाइल में, अगली बार क्या कागज चाहिए तुम्हें वीजा लेने के लिए। जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं, कल सारा दिन आप चंडीगढ़ ऑफिस में आके हमें मिल सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट बनाइए, कल मुझे चंडीगढ़ मोहाली ऑफिस में आके मिलिए। आपको सब परिवार भेजेंगे, आपकी नई शादी हुई है, पुरानी शादी है, कुछ भी इशू है, आप ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते थे, आपको सीओ ही नहीं मिली, आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते करें, आपके बैंड कम है, आपके पीटी में स्कोर कम है, आपकी पढ़ाई में 2 साल का गैप पड़ गया है, दोस्त एक चीज याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। हम असंभव को संभव कर सकते हैं, ये दुकानदारी है हमारी। अभी कॉल करें और हमारे से समझें कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा ले पाएंगे। मात्र 10,000 रुपए से ये वीजा अप्लाई होता है। कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बनाइए,
कल हमें दफ्तर आके मिलिए, जिम्मेदारी हमारी होगी, मेहनत हम करेंगे, पैसे लेंगे वीजा लगने के बाद। आपकी कॉल्स को वेट कर रहे हैं, कॉल करिए कंटिन्यूसली, अपॉइंटमेंट बनाइए और हमें चंडीगढ़ आके मिलिए। धन्यवाद, जय श्री राम।